पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने बुद्धि विहार स्थित भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में जो काम हमने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में गरीब कल्याण के लिए जो काम कर रही है, आम लोगों के लिए भी काम किए हैं, उसको लेकर ये अभियान प्रदेश में और देश में चलाए जाएंगे, जिसमें सबसे पहला काम होगा 75 घंटों का एक अभियान, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चों के लोग गांव में जाकर प्रतिदिन बूथों पर जाकर 8 घंटे लाभार्थियों से मिलेंगे, वहां वृक्षारोपण कराएंगे, प्रभावशाली लोगों के साथ भोजन करेंगे और अन्य योजनाओं का पत्रक लोगों को देंगे। इसके अलावा पहले हफ्ते में जो उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की, उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला स्तर पर होगी। इसके अलावा युवा मोर्चा एक जन कल्याण अभियान चलाएगा जो बाइक रैली के माध्यम से 3 दिन का कार्यक्रम होगा। जो काम हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में गरीब कल्याण के लिए जो काम किए हैं, आम लोगों के लिए काम किए हैं, गरीबों के लिए प्रति समर्पित यह सरकार है, उसको लेकर कई अभियान इस प्रदेश में और देश में चलाए जाएंगे, जिसमें सबसे पहला जो काम होगा 75 घंटे का एक अभियान होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चों के लोग गांव में जाकर प्रतिदिन बूथों पर जाकर 8 घंटे लाभार्थियों से मिलेंगे, वहां जो हमारा वृक्षारोपण कराएंगे, जो प्रभावशाली लोग होंगे उनके साथ भोजन करेंगे और जो अन्य योजनाएं हैं उसका, जो योजनाएं हमारी हैं उनका पत्रक लोगों को देंगे और जनसंपर्क करने का काम करेंगे। इसके अलावा पहले हफ्ते में जो उपलब्धियां हैं नरेंद्र मोदी सरकार की उनको लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला स्तर पर होगी। इसके अलावा युवा मोर्चा एक जनजागरण अभियान चलाएगा जो बाइक रैली के माध्यम से 3 दिन का कार्यक्रम होगा। इसके अलावा जिला स्तर पर एक बड़ा लाभार्थियों का, जिसमें लगभग 5,000 की संख्या होगी, एक सम्मेलन होगा पूरे जिले का, जिसमें लाभार्थी की संख्या 5,000 का एक कार्यक्रम होगा, उसमें प्रदेश से कोई हमारे नेता आएंगे उसको सभा को संबोधित करेंगे। जिला स्तर पर भी जो हमारे 10 लाभार्थी हैं उनको भी सम्मानित करने का काम करेंगे। इस तरीके के जो, और इसके अलावा जो बूथ हैं हमारे, जो बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड के बूथ हैं, उनको सशक्त करने के लिए, उन बूथों को मजबूत करने के लिए भी एक अभियान चलाया जाएगा। जो नगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं उनके परिसीमन को लेकर, उनमें वोट बढ़ाने को लेकर भी एक अभियान इसका हिस्सा होगा, जो ये अभियान जून के अंत तक चलेगा। इसके लिए आज जिला मुरादाबाद की, जो हमारा जिला है, उसकी आज एक बैठक है, अहम बैठक है और प्रमुख लोग इसमें आज भाग लेंगे। ये अभियान आपका कब से शुरू हुआ और कब तक चलेगा? ये अभी तो पहला इसका है कि अभी हमारी बैठक होगी आज, इसके अलावा फिर हमारा मंडल स्तर पर बैठक होगी, फिर ये जून के अंत तक ये कार्यक्रम चलेगा। नहीं, ये कोर्ट का मैटर है, मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, सब जुडिशियस है। आपका क्या मानना है? नहीं, कोर्ट का जो निर्णय आएगा हम उसे स्वीकार करेंगे और सबको स्वीकार भी करना चाहिए। ताजमहल को लेकर जो चर्चा का माहौल बना हुआ है, उस पर क्या कहना है? मैं तो आज ये बैठक, तो हमारी जो हमारी बैठक है वो नरेंद्र मोदी जी 8 वर्ष पूरे हुए हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।